जय हिंद दोस्तों। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई से 97% डिस्काउंट पे मिल रहा है एंड पूरे चांसेस है कि आने वाले दिनों में शायद इस स्टॉक सिंगल डिजिट में काम करता हुआ मिले। और स्टॉक का नाम है यस बैंक। जी यस बैंक, इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं एंड जानने समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है एंड सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को ही स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले पिछले दिनों हमने जिन स्टॉक्स के ऊपर स्टडी की थी वहाँ पे मतलब हलचल क्या हो रही है, अपडेट क्या है उस स्टडी का, वो मैं आपके सामने पेश कर दूँ। सबसे पहले वो लिस्ट आपके सामने पेश करूँगा जहाँ पे मतलब यू नो स्टॉक अच्छे है, बढ़िया है एंड वहाँ पे बढ़िया करेक्शन देखने मिल रहा है एंड अपॉर्चुनिटी आप खोजने की कोशिश वहाँ पे कर सकते हो। तो लिस्ट कुछ ऐसी है, डॉक्टर रेड्डीज, IOL केमिकल्स, फिर जोमैटो, लिंडे इंडिया। इनफैक्ट लिंडे इंडिया में टारगेट हिट हो गया, सॉरी ये करेक्शन हुआ है, टारगेट हिट हो गया लिंडे इंडिया में, एंड अदानी पावर एंड ऑन मोबाइल ग्लोबल। तो ये सब स्टॉक्स के नाम है एक्सेप्ट लिंडे इंडिया जहाँ पे करेक्शन हो गया है एंड वो स्टॉक्स जहाँ पे टारगेट हिट हो गया है जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया, लिंडे इंडिया, डीमार्ट एंड नेस्ले, ये सारे स्टॉक्स अपनी ऊपरी रेंज के आसपास पहुंच गए हैं। सो ये है अपडेट जो पिछले दिनों हमने स्टडी की थी उसके ऊपर। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं एंड अगर आपने शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है तो मैं आपसे कह दूं आपको तुरंत प्रभाव से शेयर बाजार में निवेश कर देना चाहिए, बिकॉज शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है, ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। जैसे कुछ लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ में निवेश करते हैं, बट शेयर बाजार में जो निवेश करते हैं रिटर्न्स अगर आप कैलकुलेट करोगे पिछले कुछ सालों के तो सबसे ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर बनाए हैं। ऑल्सो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को अगर मात देनी है तो शेयर बाजार के माध्यम से ही आप दे सकते हैं। एंड अगर आपने शेयर बाजार में निवेश करने का मन बना लिया है तो मैं आपसे कह दूँ आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जिन्होंने आपसे पहले निवेश किया है शेयर बाजार में बट वो सफल नहीं हुए। एंड सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से तैयारी नहीं की, रिसर्च नहीं की, किसी के बहकावे में आके किसी की मतलब यू नो मैसेज पढ़ किया, किसी की मतलब यू नो बात सुन के निवेश किया एंड पैसे उनके फंस गए, डूब गए, नुकसान हो गया। इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करना है। आप खुद सोचिए कुछ दिनों बाद अगर आपके एग्ज़ाम है आप बिना तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठ जाओगे तो सीधी सी बातें फेल होने वाले हो, जबकि आप पढ़ाई करके जाओगे, तैयारी करके जाओगे एंड फिर आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो शायद टॉप नहीं करोगे बट हाँ पास तो हो ही जाओगे सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स के साथ। सो इस तरह से शेयर बाजार में भी कुछ काम करना होता है। तो चलिए अब येस बैंक के ऊपर स्टडी जो है शुरू करते हैं, चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से 97 डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो है 404 रुपये, जी हाँ 404 रुपीस, एंड अभी ये स्टॉक का भाव चल रहा है 10 रुपये 80 पैसे, 10 रुपये 90 पैसे, इसके आसपास स्टॉक काम कर रहा है। अब हम चार्ट पैटर्न को डेली बेसिस पे कन्वर्ट कर देंगे और ये चार्ट पैटर्न को कन्वर्ट कर दिया है डेली बेसिस पे एंड जो हमने पिछली बार कुछ स्टडी की थी उसका डाटा यहाँ पे देखने मिल रहा है। और डाटा यहाँ पे क्लियरली क्या देखने मिल रहा है, देखिए समझ में आ रहा था लेटेस्ट स्टडी में कि स्टॉक जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न में भी काम कर रहा है, फिर साथ ही जो फॉलिंग वेज पैटर्न होती है देखिए उसमें भी काम कर रहा था एंड उसका जो है यहाँ पे डिसाइसिवली मतलब जो ब्रेकडाउन हो गया सीधी तरह से क्लियरली देखने मिल रहा है। एंड एक जो बड़ा हर्डल था दैट वाज अराउंड 13.65 उसको स्टॉक ने क्लियर ही नहीं किया। यस 13.65 को क्लियर ही नहीं किया एंड वहाँ से स्टॉक जो है नीचे आ गया एंड उस मतलब 13.65 की जो ऊपर बंद होना था वो बंद नहीं हो पाया, स्टॉक वहाँ से क्लियरली नीचे आ गया। अब नेक्स्ट ये स्टॉक इस तरह से मतलब पिटाई यहाँ पे क्यों हो रही है वो मैं आपको बता दूँ। वैसे तो बहुत लोगों को पता ही है, पता है, बट जिनको नहीं पता है या पहली बार मतलब चैनल पे विजिट कर रहे हो उनको बता दूँ क्योंकि हम प्रॉपरली मतलब डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। मैं बता दूँ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वोडाफोन आइडिया में अनसर्टेनिटी बनी हुई है एंड वो सारे बैंक जिन्होंने कर्ज दिया है यस वोडाफोन आइडिया को वो भी यहाँ पे सीधी सी बात है एक ही नाव में मतलब सब साथ में काम कर रहे चल रहे हैं। सो कैसा है तकरीबन बैंक्स का जो डाटा है एंड ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ मतलब लोन का, अगर उसमें कुछ डाटा रॉन्ग बता रहा हूँ, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन से करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन बैंक्स के 25,000 करोड़ का कर्ज है यहाँ पे सारे बैंकों का मिला के, उसमें जो सबसे टॉप पर है एक्सपोजर मतलब जो कर्ज है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 11,000 करोड़ का है एंड येस बैंक जो है उसके बाद सेकेंड नंबर पर है 4,000 करोड़ के आसपास का। सो इसलिए येस बैंक पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने मिल रहा है वोडाफोन आइडिया का एंड जब तक ये वोडाफोन आइडिया की जो सिचुएशन है उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक येस बैंक के स्टॉक पे आपको इसी तरह मतलब ऐसी अनसर्टेनिटी यहाँ पर भी देखने क्लियरली मिलने वाली है। ओके सो इस बात को समझिए एंड इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब चार्ट पैटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है धीरे धीरे करके। सबसे पहले स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है देख, अच्छा और एक चीज़ बता दूँ, स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम लोज के आसपास काम कर रहा है, जो पिछली बार का भी एक यहाँ पे एक सपोर्ट था 11.10 का उसको भी तोड़ दिया है एंड ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना ये रेड वाली, ये 6 मार्च के मतलब इन्हें एक लो लगाया था तकरीबन 5.65 रुपये का, जबकि स्टॉक वहाँ पे 16 रुपये के आसपास बंद हुआ था, स्टॉक 5 रुपये के आसपास बंद नहीं हुआ था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 5 रुपये के आसपास बंद नहीं हुआ था। सो ये वॉलेटिलिटी के कारण नीचे जाके फिर से मतलब शुरू हुआ था। इनफैक्ट मार्च 2020 जो पहला वीक था उसी
कोविड का मतलब माहौल शुरू हुआ था तभी वो बड़ा सेल ऑफ तब वहाँ देखने मिला था, एंड तभी येस बैंक से रिलेटेड कुछ अनसर्टेनिटी तभी भी थी, तभी भी ये कुछ चल रहा था। दैट्स द ओनली रीजन 5-6 रुपये के आसपास तब स्टॉक गया था। अब यहाँ पे तो स्टॉक हर दिन नया लो लगा रहा है, नई क्लोजिंग बेसिस पे मतलब नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझ लेंगे। सबसे पहले देखो स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। स्टॉक देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अपनी जो कर्व पैटर्न है ना उसमें नीचे गिरा है। देखो कर्व, इस कर्व को समझो आप, थोड़ा सा और चार्ट जूम कर देता हूँ मैं, इसको समझ लो आप। देख लो एग्जैक्टली अपनी जो कर्व पैटर्न है डिसाइसिवली बराबर से नीचे की तरफ आ रहा है, और एक कर्व बनाऊंगा ऊपर से। यहाँ पे देखिए किस तरह से नीचे नीचे की तरफ निकल रहा है। बट यहाँ पे और एक चीज़ साथ में बताऊंगा, वो है ये है, देखिए साथ में और छोटा सा एक बेस बनाऊंगा। हर 3-4 दिन स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता है, ये वाला लाइन देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन किया फिर आ गया नीचे। और थोड़ा जूम करूँगा मतलब क्लैरिटी मिलनी चाहिए पूरे। देखिए 3-4 दिन कंसोलिडेट करता है उसको तोड़ देता है, यहाँ पर भी देखिए 3-4 दिन कंसोलिडेट किया फिर तोड़ दिया नीचे की तरफ आ गया। ये सारे जो लाइन्स बनाते जा रहा है उसको देखो आप, हर 3-4 दिन कंसोलिडेट किया फिर से नीचे आते जा रहा है। सो यहाँ पर भी मतलब पिछले 3-4 दिन देखो, यहाँ पर 3-4 दिन यहाँ, हाँ फिर से 3-4 दिन कंसोलिडेट किया फिर से इसको तोड़ दिया, इनफैक्ट यहाँ तो 4th दिन ही तोड़ दिया। ओके सो क्या समझ में आ रहा है, हर 3-4 दिन कंसोलिडेट कर रहा है फिर बार बार नीचे आ रहा है। अब ऊपर की तरफ स्टॉक को निकलना है तो क्या क्या होना, क्या कौन सा एक्शन ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चारों लाइन जो है उसको मैं निकाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने लाइन्स ड्रॉ करके बताया था उसको आप समझ गए हो, ठीक है। सो नाउ ये चारों लाइन्स मैंने निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या क्या एक्शन हो सकता है, ऊपर की तरफ स्टॉक में अगर तेज़ी बननी है तो कौन सी रेंज के बाद बनेगी, कौन से लेवल के बाद बनेगी वो मैं बता दूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नीचे आते आते जो सबसे नियरेस्ट ग्रीन कैंडल है वो है ये। इनफैक्ट आज का सेशन भी जो है बहुत बड़ी, सच बता रहा हूँ, अब तक स्टॉक पॉजिटिवली काम कर रहा है, बस 0.5% के आसपास की मतलब तेज़ी है या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट हाँ गिर नहीं रहा है, 10:30 के आसपास जाके फिर से रिकवर कर गया है स्टॉक। सो ये एक पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो नियरेस्ट ग्रीन कैंडल है वो है 11.3 की क्लोजिंग, इस पर ध्यान दो। सो नेक्स्ट तेजी का राउंड इसके बाद भी शुरू हो सकता है 11.3, इसको ध्यान में रखो 11.3, मैं यहाँ पे ये लाइन रख रहा हूँ इस तरह से, एंड इसको निकाल देगा तो ऊपर की तरफ और एक ग्रीन कैंडल कौन सी थी, दैट वाज दिस 12.5, 12:30, इस पर ध्यान दो। ओके सो अगर स्टॉक यहाँ पर संभल जाता है 10:30 रुपये के आसपास तो स्टॉक जो है किस तरह से काम कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से कुछ कर सकता है, यहाँ पे कुछ समय रेंज में थोड़ा सा रहेगा स्टॉक, इस रेंज के अंदर काम करेगा, थोड़ा सा अपना बेस बिल्डिंग करेगा, मतलब वोडाफोन आइडिया में अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ, थोड़ी अनसर्टेनिटी खत्म होगी फिर इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है। ओके सो इस बात पे फोकस जरूर कीजिएगा, ध्यान जरूर कीजिएगा, एंड यहाँ पर खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। जी हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 97% के आसपास स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है, एंड आप अगर इस स्टॉक को पेनी स्टॉक ही अगर मानते हो तो पेनी स्टॉक में हमें कितना पैसा निवेश करना चाहिए, जो हमारी पेनी स्टॉक की सीरीज है उसमें ऑलरेडी हमने इस बात पर डिस्कस कर लिया है, फिर से यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पेनी स्टॉक्स में हम जिस तरह से काम करते हैं उसके ऊपर आप एक वीडियो देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट हाँ, खोने के लिए यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है स्टॉक में, अगर आपके ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड कर लीजिए, जो भी डेवलपमेंट होगा उसको जानिए समझिए एंड फिर एक्शन ज़रूर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टडी करूं और वीडियो के माध्यम से उस स्टडी आपके लिए पेश करूं तो प्लीज़ स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड हमने इस वीडियो के माध्यम से स्टडी की है कि येस बैंक का स्टॉक एक्चुअली गिर क्यों रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में एक्सपोजर इनका दैट इज़ अराउंड 4,000 करोड़, जो SBI के बाद सबसे बड़ा है, एंड SBI का है दैट इज़ अराउंड 11,000 करोड़। एंड वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके सामने पेश की है, स्टडी आपके सामने पेश की है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।